खबर टोंक जिले से है, जहां कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर का पेपर लीक मामले में बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह जौनापुरिया की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के कई लोग जेल की सीखचों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग जेल जाने वाले हैं। इसी क्रम में मंत्री दिलावर ने कहा कि अशोक गहलोत और डोटासरा बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। टोंक से कजोड़ कुलचर की रिपोर्ट। पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आ रहे पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ में कमाए, और आज कांग्रेस के ही कई दर्जनों लोग जेल की सीटों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं। अब अशोक गहलोत भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी जेल जाएंगे, उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है।